नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मानसा से आम आदमी पार्टी के पूर्व जोनल इंचार्ज और आम आदमी पार्टी पंजाब लीगल सेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाब सिंह ने पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुलाब सिंह के मुताबिक पंजाब आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ संजय सिंह दुर्गेश पाठक के कहने पर स्टिंग किया था। पंजाब आम आदमी पार्टी के स्टेट लीगल सेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाब सिंह ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुलाब सिंह का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के कहने पर उन्होंने पंजाब आम आदमी पार्टी के पूर्व कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था। जिस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने अमृतसर के एक होटल में 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन सुच्चा सिंह छोटेपुर ने उसे 2 लाख रुपए लेने से साफ मना किया था और कहा था कि ये चीज़ गलत है, लेकिन गुलाब सिंह के कहने पर कि ये पार्टी फंड है उन्होंने ये 2 लाख रुपए लिए थे। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक और संजय सिंह जो सुच्चा सिंह छोटेपुर है पंजाब में, जो उनका कद बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। आपको बता दें कि जो स्टिंग ऑपरेशन है 30 जुलाई को करवाया गया था, क्योंकि उसके बाद पंजाब में टिकटों का आवंटन होना था और जिस तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर का जो कद है वो बढ़ रहा था, इसलिए ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया था। ये गंभीर आरोप गुलाब सिंह ने आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। कैमरा पर्सन यादव के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को बाहरी के मुद्दे पर जमकर घेरा। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर ने पोलिंग के दौरान बाहरियों की मदद से गड़बड़ी की आशंका को फिर से जाहिर किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने बाहरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को फिर से घेरा। कैप्टन का कहना है कि बाहरी सूबों से 40,000 लोगों को लाने की कोशिश हो रही है। कैप्टन के मुताबिक चुनाव आयोग को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मैं पहले दिन तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन दैट कीप दिस केजरीवाल फेलो अंडर चेक। 40,000 इन्होंने हुण बंदे लेना चाहते ने फॉर द पोलिंग डे। जो पोलिंग डे दा देयर इज अ रूल बाय द इलेक्शन कमीशन 48 आवर्स बिफोर एवरीवन मस्ट क्लियर आउट ऑफ देयर। इवन आई कैन नॉट गो इनटू एक्सेप्ट इन माय कंस्टिट्यूएंसी एंड हियर देयर इज नो एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑन दिस इशू टू चेक दिस इशू ऑफ कमिंग। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक अगर बाहरियों को नहीं रोका गया तो सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। It will create a law and order problem, and there will be clashes between youngsters because all these people who are coming are either coming from Jharkhand, from Bihar, from Uttar Pradesh, Haryana, wherever else, but not Punjabis. As far as Kejriwal is concerned, he is now going in for a law and order problem or anti-national problem, I should call it. Captain Amrinder ne seedhe taur par Kejriwal ko nishane par lete hue chunav ayog ka dhyan akarshit karne ki koshish ki hai. पंकज कपाही के साथ हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी मामलों को लेकर सूबा सरकार को आड़े हाथों लिया। बेअदबी के मामले हालिया दिनों में काफी सामने आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर बादल सरकार को निशाने पर लिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने बेअदबी के लिए सीधे सीधे बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने कुरान शरीफ और गीता की बेअदबी का भी जिक्र किया। मैं तो 100% मानता हूं बादल ने ही कराई है बरगाड़ी की बेअदबी। और किने कराई है? आ कुरान शरीफ इन्होंने फड़वाया, गीता इन्होंने फड़वाई है। कम्युनल टेंशन, कम्युनल पोलराइजेशन चाहते से फॉर पॉलिटिक्स। बठिंडा शहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत बादल के दफ्तर में हुई फायरिंग को लेकर भी कैप्टन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि सियासी शह के बिना ऐसी घटनाओं का होना मुमकिन नहीं है। मैं थोड़ा क्या है, 2 वाक्यात हुए ने, एक बॉम्ब मोर्चा और एक फायरिंग ऑन कांग्रेस ऑफिस इन बठिंडा। 5-4 एम्प्टी कार्टरेजेस मिले ने गोलियां के निशान से उठे। सो दिस इज बीन ए इंडिकेशन है कौन कर रहा है ना। कोई नहीं सिर चकदा जदों तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल बैकिंग ना है।
बरगाड़ी में हुई बेअदबी और बहबल कला गोलीकांड को लेकर कांग्रेस जांच और कार्रवाई की मांग करती रही है। बावजूद इसके इतना समय बीत जाने के बाद भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जलंधर में पीएम मोदी को भी बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच को लेकर स्थिति साफ करनी पड़ी थी। पटियाला से पंकज कपाई के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। लंबी के गांव बादल में चुनावी रैली करने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की राजनीति को पंजाब की शांति के लिए खतरनाक बताया। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पोस्टर जारी करके आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने लाने का दावा किया है। लंबी के गांव बादल में सरदार सुखबीर ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह का एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर के जरिए अकाली दल प्रधान ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि जरनैल सिंह ने लंदन में खालिस्तान के कार्यक्रम में स्टेज शेयर किया। खालिस्तान दी लंदन स्टेज से आओ उते ड्रेस करे खालिस्तान नु लोकां नु आई केड़ी जगह दी लंदन जरनैल सिंह जिहड़ा इत्थों इलेक्शन लड़ रहा है जरनैल सिंह खालिस्तान दी थे एनी वीडियो इन उहदे च किया कि खालिस्तान बनना चाहिदा है ओ ताकतां जिन्हां नु बड़ी मुश्किल नाल दबा के खत्म कीता सी। मैनू बड़ा दुख है कि उन्हां ताकतां नाल आम आदमी पार्टी रल गई है। सुखबीर बादल ने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे का अमन हमेशा कायम रखा है और अमन चैन को कायम रखना मेन एजेंडा होना चाहिए। सरदार प्रकाश सिंह बादल मीन्स पीस, सरदार प्रकाश सिंह बादल मीन्स अमन शांति पंजाब भाईचारिक सांझ। सो साडे वास्ते आई अपील टू ऑल पोलिटिकल पार्टीज, पीस शुड बी द मेन एजेंडा। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह की सियासत करने से बाहर जाना चाहिए। लंबी से पुनीत पुनीजा के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से जी तालीम के साथ मिलकर पंजाब की जमीनी हकीकत के ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कैप्टन अमरिंदर सिंह को माना है, जिसके बाद कैप्टन सूबे के माहौल को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। जी मीडिया के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सर्वे में लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद माना। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि माहौल काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में है। कैप्टन का दावा है कि मालवा में आम आदमी पार्टी की कोई लहर नहीं है और कांग्रेस की रैलियों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि पार्टी यहां भी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। मेरी सियासी जिंदगी में एडे बड़े कट नहीं देखे, इन्ना उत्साह नहीं देखे। मलोट, जैतो, फरीदकोट एंड मुक्सर उतो में आया। मैं थोड़ा दस रहा 69 सीट्स तो अभी 30 तो घट नहीं आते, बिटवीन 30 एंड 36 सीट्स अभी लेके जाना, बाकी अकाली और आप बंट लें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सरकार बनने पर एजुकेशन और हेल्थ पर खास ध्यान देने की बात कही। पंकज कपाही, जी मीडिया, पटियाला। लुधियाना हलका साउथ से उम्मीदवार बलविंदर सिंह बैंस ने अकाली दल के खिलाफ पोल खोल अभियान छेड़ा है। चुनाव प्रचार की खातिर लुधियाना में बैंस ब्रदर्स एलईडी का सहारा ले रहे हैं। लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर्स सड़कों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर अकाली सरकार की पोल खोलने में जुटे हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाई जा रही हैं जिनमें बैंस ब्रदर्स अकाली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही दिखाया जा रहा है कि किस तरह उन्हें विधानसभा से बाहर खदेड़ दिया गया। ये दसना चाहते हैं कि नुमाइंदा वो चुने जो हक लिए बोलता हुए। एलईडी तो पता लगूगा कदे किसी एमएलए दे डांग मारी पुलिस ने, पर साडे डांगा मारियां क्यों मारियां? असी केड़ा कोई मतलब माड़ा करते हैं? असी आही कहंदे सी रेता चोरी ना करो, असी कहंदे सी बजरी चोरी ना करो। लुधियाना हलका साउथ से उम्मीदवार बलविंदर सिंह बैंस के माने तो उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उन्होंने आम लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। अकाली सरकार के दौरान अवैध खनन सहित अन्य मुद्दों को लेकर बैंस ब्रदर ने प्रदर्शन किया था। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। लुधियाना साउथ से लोक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार बलविंदर सिंह बैंस ने पंजाब की बात में अपनी बात रखी। लुधियाना के हलका साउथ के उम्मीदवार लोक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार बलविंदर सिंह बैंस ने गल करांगे कि वो की मुद्दे लेके लोगों के बीच जा रहे हैं।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਪਰ 9-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੋਪ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਖੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਬਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਲਾਟ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ RO ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 10 ਸਾਲ, ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। 4 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अमृतसर लोकसभा के उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने बात की गुरजीत सिंह औजला से। औजला अमृतसर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पंजाब विच चोणां दा माहौल काफी सरगर्म होया है। विधानसभा चोणां 2017 ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, 4 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ MP ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 4 फरवरी ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MP ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ 2-1 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ। ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਓਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ CM ਬਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰ ਦਿਓ, DGP ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ CM, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ,
ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਿੰਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਟਰਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਹਿਰਾਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹ, ਮੇਰਾ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਲਗਾਓ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ, ਪਿਕਨਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਓ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਕਈ ਦਲੋਂ ਕੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕੇ ਮੰਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਕੇ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭੀ ਕਾ ਪਕਸ਼, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਮੇਂ ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਹੈਂ। ਨਿਰਦਲੀਏ ਰਾਜ੍ਯ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇ ਬਰਤਾਵ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਆਜ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਮੇਂ ਵੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੇ। जलंधर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि संघर्ष के दिनों में केजरीवाल की मदद करने वालों में उनका नाम भी शामिल है, लेकिन लोकराज के जिस नारे के साथ केजरीवाल चले थे उसे कहीं पीछे छोड़ाए हैं। उन्होंने बताया कि केजरीवाल को मदद करने वालों में अन्ना हजारे से लेकर अभिनेता आमिर खान तक के नाम शामिल है, लेकिन केजरीवाल के बर्ताव की वजह से उनके साथ अब कोई नहीं है। उस समय के 2006 के अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, लोकराज, पूर्ण स्वराज, इस तरह के नारे हम लोगों ने दिए। मैंने इसको फाइनेंशियली मदद की, 6 साल तक मदद की, 12 लोग चाहे उसमें हजारे भी थे, शोली सोराब जी भी थे, मैं भी था, आमिर खान, जितने भी लोगों के नाम लीजिए आप, वो रिकॉर्ड पे हैं, उनमें से आज कोई एक भी आदमी साथ में नहीं। उन्होंने बताया कि केजरीवाल झूठे वादे करने में सबसे आगे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति और पार्टी से बचने की जरूरत है। पंजाब के लोगों को केवल मैं इतना ही बताने आया हूँ कि ये लड़का, मैं इसके, हम लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मतलब ये कुछ भी वादा कर सकता है दोनों कि जी मैं तो आपका भाई हूँ, ये हूँ, प्यारा हूँ, फलाना हूँ, तो केवल उनू वोट ना देना, बाकी तुसी जिन्हू मर्जी वोट दो ना मर्जी। देखो जे तुसी सारे मन बना लोगे जे पंजाब दे जे वैश समाज दे लोग, मैं कहना वो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं तुहानू वादा करूँ, तुसी अपना वादा मन बना लो। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵਪਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जलंधर में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और अपने अनुभव साझा किए। समाज और देश की बेहतरी में अहम योगदान देने के लिए जालंधर में व्यापारी वर्ग ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया।
पंजाब के जलंधर में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पंजाब के व्यापारी वर्ग ने डॉक्टर चंद्रा को समाज और देश की बेहतरी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने व्यापारी वर्ग को संबोधित करते हुए सियासी मंच पर वैसे समाज की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। जेडी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैश्य समाज के लोगों को टिकट देंगे, पूरा वैश्य समाज उसका साथ देगा। सानू उम्मीद इस बारी है कि 30 तो ऊपर वैश्य MLA यूपी दे विच असेंबली दे विच होंगे, इसके आने वाले हरियाणा विच सर्टनली इस वेले साढ़े 13 वैश्य MLA है। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए समाज से आगे आने की अपील करते हुए दहेज जैसी सामाजिक कुरीति पर भी चोट की। अपना पिता अपनी मर्जी से बेटी को देता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आज भी किसी को है और ना पहले भी किसी को थी। जबरदस्ती मांगना, तय करके करना, वो एक बात गलत है। इसके लिए अगले वर्ष शरद पूर्णिमा पर मेले पर हम अग्रोवा से कोई ना कोई रेजोल्यूशन जनरल बॉडी से पास करके पूरे हिंदुस्तान में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जलंधर में कन्या महाविद्यालय में आयोजित रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग कार्यक्रम में भी शिरकत की। यहाँ डॉक्टर चंद्रा ने छात्रों को करियर में आगे बढ़ने के टिप्स भी दिए। अपने आप को सचेत रखिए, अपने अंदर क्या हो रहा है हर वक्त उसके लिए आप सजग रहेंगे तो ना तो आपको कोई छेड़ सकेगा ना आपको कोई कमजोर कह सकेगा। इस दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय में आयोजित द रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग कार्यक्रम में भी शिरकत की। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, जालंधर। जालंधर में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर भी फिक्र जाहिर की है। जालंधर में कन्या महाविद्यालय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ड्रग्स की समस्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अपनी राय रखी। डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि पंजाब में ड्रग्स बड़ा मुद्दा है जिसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सत्ता पक्ष अक्सर नशे के मामले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन ये भी सच है कि सरकार ने ड्रग्स के गोरख धंधे के खात्मे के लिए कदम नहीं उठाए। I told Punjab government has failed. They have not protected its people. They say that no, we didn't do the drug, as the opposition says. But okay, you didn't do it, but you didn't stop it. The fact is that Punjab drug is a very big, big problem. नशा सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर रहा है, जो देश का भविष्य है। ऐसे में ड्रग्स के मुद्दे पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का चिंता जाहिर करना युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर उनकी गंभीरता को दर्शाता है। जलंधर से जगतार भुल्लर, जी मीडिया।